एलोपैथी के कंपैरिजन में आयुर्वेदा का डर्मेटोलॉजी में कैसा रोल है? कुछ लोग होते होंगे जो आपको बोलते होंगे कि मुझे एलोपैथिक मेडिसिंस भी खानी है और मुझे आयुर्वेदा की भी साथ में चलानी है। मैं किसी पैथी पे वैसे कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, देन डेफिनेटली आई बिलीव मोर इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में क्या चीज लेनी सही है और क्या नहीं है? जैसे आपने कर्ड बताया था, उसके अलावा कोई ऐसी चीजें भी हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए? एक्चुअली वो वही बात है कि सब में डिफरेंट होता डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं 80% केसेस में कहूँ तो या पित्त इज इंबैलेंस। जैसे जिम वाले होते हैं, तो जिम वालों में मुझे लगता है क्योंकि वो सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, तो मैंने देखा है सप्लीमेंट्स के बाद उनके हाथ में और जगह जगह पर एक्ने हो जाते हैं, छोटे 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 पोर्स हो जाते हैं। यस, तो वो भी कोई दोष का इम्बेलेंस ही रहता है। स्किन में जब डिजीज होती है तो वो 4 लेयर तक, रस, रक्त, मांस, मज्जा। कि बहुत लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा ऑयल लगाएंगे तो उनका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको अपना स्किन टाइप देखना है, अपना स्कैल्प देखना है, क्या वो हमेशा ऑयली रहता है। हेलो डॉक्टर इश्पा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द वेरी गुड पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो आप स्किन और हेयर डिजीजेस में एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। यस यस। तो आप जनरली कहाँ से इस फील्ड में कैसे आए, मतलब थोड़ा सा बताइए ना, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, जब मैं पढ़ती भी थी तो हम जब आयुर्वेदिक बुक्स में पढ़ते हैं तो मैं स्किन के इशू कोई भी होंगे तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता था। यू नो एज अ फीमेल ऑल्सो हम चाहते हैं हमारी स्किन अच्छी हो, हमारे हेयर अच्छे हों, सो मैं हमेशा से कुछ ना कुछ DIY करती रहूंगी, कुछ फेस पैक कुछ बनाती रहूंगी, एंड देन आई कीप ऑन ट्राइंग देम। सो मेरा स्टार्टिंग से स्किन और हेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट था। यस, सो स्टार्टिंग मैंने एकदम से हेयर एंड स्किन से नहीं किया था, जनरल जैसे हम करते हैं, मैंने एक छोटे क्लिनिक में काम किया था जहाँ सारे पेशेंट आते थे, पेन और गायनी और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। देन आफ्टर 2 ईयर मुझे एक ऑफर आया जो कि स्पेशली हेयर और स्किन का ही डॉक्टर उनको चाहिए था। देन मैं बहुत खुश हुई बिकॉज वही मेरा मन था, और उसमें फिर उन्होंने कुछ सिखाया भी तो मुझे और सारी चीज़ें सीखने को मिली। So just like that, I came into this field. Yeah. Okay, but I think थोड़ा सा मुझे लगता है viewers को ना पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि you know आप कहाँ से belong करते हैं, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आपकी practice कहाँ पर है? Yes, actually basically I am from Himachal. Okay. So starting के कुछ year I worked there. और जैसे कि starting मैंने 2 years बताया वो मैंने वहाँ पे काम किया। Then मैंने कुछ यहाँ पे आके मेदांता ज्वाइन किया। मेदांता जो यहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे आयुर्वेदा भी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, मेदांता से उनके दिमाग में आता है दैट एलोपैथिक सर्जरी एंड ऑल, बट नहीं, मेदांता के एक फ्लोर में आयुर्वेदिक सेक्शन भी है। तो वहाँ पे मैंने किया, देन मुझे ये ऑफर आया तो मैंने ये ज्वाइन किया यहाँ पे। और उसके बाद 2-3 years मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद कोविड में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, देन आई ज्वाइंड दिस क्लिनिक आरोग्य क्लिनिक। आरोग्य? यस यस, आरोग्य क्लिनिक, और मैं वहाँ पे अभी 4.5 years से काम कर रही हूँ। अच्छा, आपको टोटल कितना एक्सपीरियंस है अभी? 10 years टोटल। 10 years से? तो आपने शुरू में पहले एक जनरल प्रैक्टिस आपने आयुर्वेदा शुरू करी? यस, सो उसके बाद फिर जैसे कि मेरा ध्यान हमेशा स्किन एंड हेयर में ही होता था, मैं वही वाले टॉपिक वही वाले पेशेंट पिक करती थी। सो जब मुझे फिर वैसा मिल गया फील्ड जिसमें मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकती थी, सो आई जॉइंड दैट क्लिनिक। ओके, तो अभी आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू आर अ स्पेशलिस्ट इन हेयर एंड स्किन। यस यस, डेफिनेटली। और जैसे कि मैं स्किन और हेयर के पेशेंट देखती गई तो फिर मुझे धीरे धीरे जैसे जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो बहुत सारी फीमेल से जो उसका रूट कॉज आता था वो कहीं ना कहीं फीमेल की गायनिक प्रॉब्लम आती थी, PCOS, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस। सो उसके बाद मैं धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि अगर मुझे हेयर और स्किन को कम्प्लीटली ट्रीट करना है तो मुझे गायनी की भी सब डिजीज का पता होना चाहिए। सो धीरे धीरे मुझे उसमें भी जैसे इंटरेस्ट आया तो मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दैट। सो आफ्टर दैट फिर मुझे अपनी फील्ड में आई एडेड गायनी ऑल्सो। ये सब इंटर रिलेटेड है, मतलब आपने जैसे बताया दिस इज इंटर रिलेटेड। अच्छा, कैसे? मतलब ये मतलब एक मुझे एक बहुत जनरल अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सो वी हैड अ पॉडकास्ट विद डॉक्टर शुभांगी, उन्होंने आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बेसिक्स, एंड शी मेंशनड दैट इट इज बेस्ड ऑन अ त्रिदोषिक थ्योरी। यस यस यस, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, पूरा आयुर्वेदा वो जो है वो इसी के आसपास घूमता है, इसी के आसपास वात पित्त कफ। ओके, तो लेकिन पहले टाइम पे हम सिर्फ ये करते थे, अभी हम वात पित्त
कफ के साथ साथ हम टेस्ट भी करवाते हैं. अच्छा. यू नो, सो पेशेंट के आने के बाद ही जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप जैसे मेरे पास स्किन डिजीज के पेशेंट आते हैं, तो उनसे थोड़ा टाइम हिस्ट्री लेने के बाद, उनके सिम्टम देखने के बाद, जो भी उनको लीजन्स हैं उनको देखने के बाद ही आपको 70-80% यू केम टू नो कि कौन सा दोषा ज्यादा है. और हम ट्रीटमेंट भी वैसे ही करते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत जैसे आपको शॉर्ट में बताऊँ, तो अगर वात से रिलेटेड किसी पेशेंट को कोई स्किन डिजीज है, तो जो लीजन होगा वो बहुत ही ब्लैकिश कलर का होगा, बहुत ड्राई होगा और उसमें बहुत प्रिकिंग पेन होगा उसको. ठीक है. वही अगर वो दूसरा लीजन लेके आ रहा है, अगर उसमें से पस डिस्चार्ज है, दैट इज येलोइश इन कलर, देन डेफिनेटली वहां पे पित्त ज्यादा है. ओके. थर्ड इज कफ. ठीक है. कफ होगा तो जो लीजन होगा वो व्हाइटिश होगा, स्किन से थोड़ा सा एलिवेटेड होगा और उसमें इचिंग बहुत ज्यादा होगी. सो दीज आर जस्ट स्मॉल सिम्टम्स आई एम टेलिंग यू. सो यस, वात पित्त कफ पे ही आसपास हमारा पूरा डिपेंड होता है. तो हम ट्रीट भी वैसे ही करते हैं, पेशेंट को पूछ के उसका कंप्लीट हिस्ट्री लेके. और इसके साथ साथ जब मैं उससे, जैसे कोई भी पेशेंट है, उससे डिटेल में जब हिस्ट्री लेती हूँ, देन बहुत सारे पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस है, हर दूसरे पेशेंट को थायराइड है, फीमेल में PCOS, PCOD, फाइब्रॉइड, दीज आर कॉमन इश्यूज. सो जब तक हम वो ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक हम अदर थिंग्स नहीं ट्रीट कर सकते. बिकॉज जैसे कि कहा भी जाता है, आपको पेशेंट का सबसे पहले, आप किसी की भी आपने अगर हेल्थ जाननी है, आप उसका हेयर एंड स्किन देख लो, आपको पता चल जाएगा एवरीथिंग इज ओके और नॉट. बिकॉज कोई भी सिम्टम है वो सबसे पहले आपके स्किन पे आने लगते हैं, आपके हेयर पे आने लगते हैं. सो वो बॉडी एक साइन देती है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओके. ये मतलब सबसे पहले मैं एक बात करूं एक्जिमा की. यस यस. तो एक्जिमा जो इशू है उसमें एक कोई इम्बैलेंस रहता है या सारे इम्बैलेंसेस रहते हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया वात का रहता है, कुछ इचिंग होती है किसी को. yes, yes, yes. तो इसमें एक से ज्यादा भी इम्बैलेंस रहते हैं, वात पित्त. yes, yes. या फिर वो लीजन से ही पता चलता है उसका, जो जब देखते हैं कहाँ पे है. कई बार वो एक्जिमा भी बहुत सारी टाइप का, ड्राई एक्जिमा है, वेट एक्जिमा, यू नो एलोपैथिक में भी कॉल इट ड्राई एंड वेट. ठीक है. वात अगर हम उसमें आयुर्वेदा में लेंगे तो हम उसको वातिक बोलेंगे, उसको पित्तज बोलेंगे, कि वो ड्राई है देन वो वात का है, में कोई डिस्चार्ज नहीं है, बिल्कुल वो ड्राई है, इचिंग है और पेन है, प्रिकिंग पेन, देन दैट इज ड्राई एक्जिमा. तो हम उसको जो है वात शामक मेडिसिन देंगे, उसको लगाने के लिए भी कुछ ऑइंटमेंट देंगे जो वहाँ पे उसको पर्टिकुलर जो लोकली काम करेंगे, और इंटरनली खाने के लिए हम उसको वात शामक मेडिसिन देंगे. सो वी वर्क लाइक दैट. और अगर उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है, देन वी नोटिस कि कौन से कलर का डिस्चार्ज है, इट्स येलोइश और व्हाइटिश, देन अकॉर्डिंगली वी ट्रीट. तो जनरली अगर आप के पास कोई पेशेंट आया, आज पेशेंट बोलता है मुझे आज बहुत यू नो एक्जिमा की प्रॉब्लम है, मेरे पैरों पे तो बहुत खुजली आती है और छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं और दिक्कत हो रही है मुझे, तो आप फिर उससे उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हो, जो अभी मुझे समझ आया. तो आप उससे और भी इश्यूज पता कर पाते हो कि अच्छा आपने बताया तो एक्जिमा था, लेकिन आपको हो सकता है कि क्योंकि अब वात का दोष है तो आपको ये भी इश्यूज हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली. एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट में तो उनको नहीं पता होता कि उनको क्या है. अच्छा. दे जस्ट केम टू मी एंड टेल कि ये लीजन है यहाँ पे ऐसे होता है, वो होता है. सो वो तो हमें खुद डायग्नोज करना होता है कि क्या है उनको. ठीक है. और साथ में जब मैं कम्प्लीट हिस्ट्री लेती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजों में, जैसे कि आयुर्वेदा में ये भी माना जाता है कि अगर आपका पेट ठीक हो देन ऑलमोस्ट आपने आधी डिजीज तो वैसे ही ट्रीट कर ली. तो कि उन्होंने क्या खाया, कई बार किसी चीज से एलर्जी भी होती है. ठीक है. तो एलर्जी में हम उस चीज में भी ले लेते हैं कि दोष किसी चीज में ज्यादा हो गया, किसी चीज में टॉक्सिन्स. आयुर्वेदा हम उसको आम कहते हैं. अच्छा. तो जब बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा होते हैं, आम हो जाता है ज्यादा, तो वो भी स्किन में निकलेगा. Okay. Does that need a way? अगर वो स्टमक से नहीं निकल पाए, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, प्रॉपर टाइम पे स्टूल पास नहीं हो रहा है, देन उसको कहीं और वे से निकलेगा, वो स्किन से निकलेगा. बिकॉज जब इम्प्योरिटीज स्टूल के थ्रू या यूरिन के थ्रू नहीं निकल पा रही हैं, तो वो ब्लड में जाएंगी. ठीक है. और ब्लड से ही हमारी स्किन की लेयर्स बनती हैं. ठीक तो है. जब ब्लड में जाएंगी देन डेफिनेटली उस स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएंगी. ठीक है. देन वी नीड टू ट्रीट दैट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ टॉपिकल लगा लिया और ठीक हो जाओगे. नॉट लाइक दैट. तो ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैम बस कुछ लगाने का दे दीजिए, हमें कुछ खाना नहीं है. हाँ. तो मैं बिल्कुल बोल देती हूँ कि फिर कोई फायदा नहीं है. चाहे आप कम टाइम के लिए लो, लेकिन यू हैव टू टेक इट इंटरनली ऑल्सो. ओके.
जैसे कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत एक्ने की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ गई है, और मुझे लगता है उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली डाइट का बहुत ही बड़ा रोल है, आप जो खाते हो वो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट भी करता है। डेफिनेटली तो वो आप पिथ डोमिनेंटली उसको डायग्नोस करोगे, मेरे को जहां तक समझ आ रहा है ना। तो अगर अब उसको जो उसके जो स्किन इश्यूज हैं तो वो ऑइंटमेंट लगाने के बाद भी वैसे ही रहेगा क्या? मैं बोल सकता हूँ ऑइंटमेंट लगाएगा तो डेफिनेटली। अच्छा, बिकॉज वो नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ऑइंटमेंट से क्या हो जाएगा कि वो सबसाइड हो सकता है थोड़ी देर के लिए, कि वो वहाँ से चला गया। बस जैसे ही उसको अपना फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, अपना फेवरेबल फूड मिलेगा, फिर से बहुत ज़्यादा ये जो स्किन डिजीज है बहुत ज़्यादा आपकी डाइट पे डिपेंड करती है। डाइट ही आपने प्रॉपर नहीं लिया, उसके बाद आपका स्टमक खराब हुआ तो वो आपके स्किन पे आए जो भी टॉक्सिन है। ठीक है, जैसे लोग बहुत ज्यादा खट्टी चीजें ले लेते हैं, पिकल्स, सॉसेस, दीज ऑल थिंग्स जो बहुत लोगों को पसंद भी होता है। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट में लेंगे या बहुत ज्यादा सॉल्टी जैसे कि फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसमें वो प्रिजर्व करने के लिए दे एड ऑन तो ये चीजें उस चीज को और ज्यादा एग्रेवेट करती हैं। okay. बहुत सारे पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज से उनको एलर्जी है। दे कीप ऑन ईटिंग दैट, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट को कर्ड नहीं सूट करता है। इन जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितना मुझे पता लगा है, आई थिंक 70% जो पेशेंट है उनको कर्ड नहीं सूट करता। वो कर्ड बिकॉज कर्ड को आयुर्वेदा में माना जाता है कि जैसे कि दिस देयर इज अ टर्म स्त्रोतोरोधक, जितने हमारे पोर्स होते हैं वो उनको क्लॉक कर देता है। तो प्रॉपर स्वेटिंग नहीं होगा। सो वो भी एक रीजन होता है। सो जब मैं पेशेंट को दवाई देती हूँ तो उसके साथ साथ मेरा डाइट प्लान भी चलता है। मैं सिर्फ मेडिसिंस नहीं देती हूँ उनके साथ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ से आप मेडिसिन देते गए, दूसरी तरफ से आप वो सब खाते गए जो आपके ब्लड को इम्प्योर करता जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेदा में पथ्या इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक मेडिसिन, फूड इज ऑल्सो अ मेडिसिन। मेरे पास चाहे हेयर के पेशेंट हो, चाहे गायनी के पेशेंट हो, स्किन के पेशेंट हो, मेडिसिन जितनी ही मैं डाइट भी बताती हूँ। अच्छा, तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो अगर कोई पेशेंट आया तो आप उससे हिस्ट्री लेते हैं पूरी, हिस्ट्री के बाद आप उसका दोष डायग्नोस करते हैं कि कौन सा दोष है। दोष के बाद आप उसके हिसाब से उसको डाइट और उसके हिसाब से उसको मेडिसिन, उसका लाइफस्टाइल पता करती हूँ कैसा लाइफस्टाइल है, अभी तक कैसा जीता रहा है। स्ट्रेस इज आल्सो यू नो बिगेस्ट रीजन आज साइकोलॉजिकल इश्यूज स्पेशली मेट्रो सिटीज में। तो मैं उनकी सारी हिस्ट्री लेके मैं ट्राई करती हूँ कि वो मुझे सब बताएं, जो भी है, कैसा जॉब है, कैसी लाइफ है, क्या खाते हैं, कहाँ का खाते हैं। सो अकॉर्डिंगली आई टेल देम एवरीथिंग। अगर बहुत ज़्यादा किसी को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो पेशेंट ठीक भी है लेकिन उसने सोच रखा है कि आई एम नॉट वेल, जैसे कि होते हैं बहुत सारे पेशेंट, उनका रीजन भी ठीक हो गया बट देर नहीं मैम इचिंग होती है अभी भी। सो वो अच्छा साइकोलॉजिकली वो बाउंड है। यस यस, तो वो उनसे बात करने से जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, जब आप बहुत सारे पेशेंट देखते हैं तो आप फर्स्ट मीटिंग में यू केम टू नो कि कुछ अदर प्रॉब्लम भी है। देन आई सजेस्ट योगा, मेडिटेशन एंड देर आर सम मेडिसिंस आल्सो, यू नो, जैसे कि बहुत फेमस है अश्वगंधा, इज वेरी फेमस ना, ईच एंड एवरीबॉडी नो दिस। सो ऐसे उनके उसके साथ साथ मैं ऐसी मेडिसिन भी सजेस्ट करती हूँ। ओके ओके, और ये कितने टाइम का प्रोसेस रहता है जनरली? एक्चुअली दैट डिपेंड्स पेशेंट, वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, कि किसको कितना दोषा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं स्किन का ले लूं, ठीक है, सो स्किन, जब स्किन में जब डिजीज होती है तो वो 4 लेयर तक, रस, रक्त, मांस, मज्जा, तो इसमें होती है। जैसे कि अगर सबसे पहले बहुत सुपरफिशियल है, अगर स्किन में है, सिर्फ स्किन में है और ज्यादा जो पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है तो बहुत जल्दी ट्रीट हो जाता है। अच्छा, अगर वो उससे भी डीप है, ब्लड तक पहुंच गया है, देन इट टेक्स मोर टाइम। और अगर उससे भी डीप है, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बहुत मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, पॉस्ट्यूल हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत यहाँ तक उसका जो होता है नोड्यूल होता है और उसमें पस भी होता है। सो इसका मतलब वो उसने मसल तक इन्वॉल्व कर लिया है। अच्छा, जितना जो वो डीप चला गया है उसमें उतना टाइम लगता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, दैट डिपेंड्स एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, एलोपैथी के कंपैरिजन में आयुर्वेदा का डर्मेटोलॉजी में कैसा रोल है? मतलब एलोपैथी में स्किन डिजीजेस जैसे दिखाते हैं तो वो ऑइंटमेंट्स ही देते हैं जहां मुझे समझ आता है, उसके साथ क्या आयुर्वेदा चल सकती है? मतलब उस ऑइंटमेंट्स के साथ, मतलब कुछ लोग होते होंगे जो आपको बोलते होंगे कि मुझे एलोपैथिक मेडिसिंस भी खानी है और मुझे आयुर्वेदा की भी साथ में चलानी है। एक्चुअली मैं तो प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ। ओके, आई डोंट प्रिस्क्राइब एनीथिंग एलोपैथिक, लेकिन हाँ अगर वो कुछ ले रहे हैं सो
वो उनकी विश है. टॉपिकली दे कैन अप्लाई इफ दे वांट टू, ना. लेकिन इंटरनली मैं किसी पैथी पे वैसे कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, देन डेफिनेटली आई बिलीव मोर इन आयुर्वेदा. सो मेरे पास पेशेंट एक्चुअली बहुत सारे डायरेक्ट नहीं आते हैं. वो सबसे पहले एलोपैथिक में वो ट्राई कर चुके होते हैं. ओके, देन वो बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं वहाँ से कि मैम हम जब भी प्रॉब्लम होती है देन वी अप्लाई दिस ऑइंटमेंट, ठीक हो जाता है. बट जस्ट आफ्टर 7 days वो वापस आ जाता है. सो उन्होंने वो मेडिसिन खा के अप्लाई करके जब वो थक जाते हैं देन दे कम टू आयुर्वेदा. सो ऐसा नहीं है कि मैं उस पर कुछ कमेंट कर रही हूँ, बट हाँ, यस, आई बिलीव इन आयुर्वेदा मोर, बिकॉज आयुर्वेदा में क्या है कि आप रूट कॉज को ढूंढ के आप उसको क्यों करोगे, उसको हमेशा के लिए, जिसको बोलते हैं कि शमन कर देंगे हमेशा के लिए. तो वो रूट कॉज हम ट्रीट करेंगे तो फिर पेशेंट को वो बार बार नहीं होती है प्रॉब्लम. उसमें मैं पेशेंट को बता देती हूँ, क्योंकि एलोपैथिक में दे गिव यू टू 5 to 10 days मेडिसिन, लेकिन मेरा उतना नहीं होगा बिकॉज मुझे इंटरनली आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं और पूरा ब्लड जो है वो प्योर करना है. सो इट टेक्स टाइम, बट एक बार अगर हो गया देन लॉन्ग टाइम के लिए आपको बार बार मेरे पास नहीं आना पड़ेगा. ओके ओके, तो ये जो आपने बताया ये तो आई थिंक प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छा है. यस यस, डेफिनेटली, है ना. तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि अगर किसी को बहुत रेगुलरली ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वो एक बार अगर कंसल्ट करा ले पहले, तो उसको आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, नहीं होंगी, क्योंकि वो पहले ही अपना डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा. अगर उनके सारे पार्ट्स हेल्दी हैं, बॉडी पार्ट्स, देन उनको फिर ये प्रॉब्लम आएगी नहीं. जैसे कि मैंने कहा कि अगर हेल्दी नहीं है, टॉक्सिन्स ज्यादा हैं, तभी वो स्किन के थ्रू निकल रहे हैं. तो अगर आपने पहले ही बॉडी को अपना हेल्दी रखा है, आपकी डाइजेशन ओके है, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी. इसमें आपको इसमें आप पंचकर्मा वगैरह ये सब भी शामिल करते हैं? यस यस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कौन सा, जैसे कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, मांस तक, रक्त तक पहुंच गया है, तो हम पंचकर्मा में रक्त मोक्षण भी करते हैं. अच्छा. थ्रू लीचीज, और जैसे वेन से भी ब्लड निकालते हैं, कई बार ब्लड बहुत गंदा होता है, तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और इसका बहुत फास्ट रिजल्ट है एक्चुअली. अगर पेशेंट जैसे कुछ होते हैं जिनको जो सुन के ही डर जाते हैं कि हाँ रक्त मोक्षण होगा, देन उनको मेडिसिन थोड़ा लंबे टाइम तक देनी पड़ती. अच्छा. है. लेकिन अगर कोई रक्त मोक्षण करवा ले, जिसको जिसको है नीडेड है उसमें रक्त मोक्षण, तो उनको सेम सिटिंग से, जैसे आज वो करवा के गए, तो नेक्स्ट डे दे कैन फील द रिजल्ट. अच्छा. यस यस, क्योंकि वो जो लीच है, जैसे हम उससे भी रक्त मोक्षण होता है, तो वो जितना भी, जैसे इस पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लीच लगाएंगे, तो उसके आसपास का जितना भी वो गंदा ब्लड है वो ज्यादा, वो सारा अपने अपने अंदर ले लेती है. ओके, ठीक है. सो उससे इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली. हाँ. और एक होगा कि हम मेडिसिन देंगे, वो इंटरनली खाएगा, देन वो धीरे धीरे होगा. मेडिसिन में जैसे कि लेमन को सबको पता था, हल्दी, नीम, ये सब चीजें होती हैं. सो दैट विल टेक टाइम डेफिनेटली. और एकदम से आप रक्त मोक्षण करवा लोगे तो वो एकदम से निकल गया वहां से, तो डेफिनेटली जो हीलिंग टाइम है वो कम हो जाता है उसमें. लेकिन वो भी टेम्पररी हुआ, क्योंकि अगर उसने फिर से वही पुरानी डाइट या पुरानी लाइफस्टाइल रखी, डेफिनेटली, तो वापस से वो काम नहीं करेगा वो उतना हिस्सा. यस यस, बस हाँ ये है कि अगर आपने एक बार कम्प्लीटली अपने आप को डिटॉक्सिफाई करा है, तो ऐसे नहीं है कि आप 15 डेज के बाद आ जाओगे. इट विल टेक टाइम, बट यस, अगर आपको नहीं अपना डाइट प्रॉपर करोगे तो वो फिर से हो सकता है. अच्छा. यस यस. और किस किस टाइप के और इश्यूज आप देखते हैं स्किन में जनरली, मतलब कौन कौन से इश्यूज आपने देखे? एलर्जिक, एक्ने, एक्ने ना, और सोरियासिस, सोरियासिस, और बेबीज जैसे आते हैं, एक्जिमा वगैरह, स्केबीज, ये सब पेशेंट आते हैं मेरे पास. अच्छा. यस यस, तो इन सबका ट्रीटमेंट का तरीका सेम ही है, मतलब हम पहले डायग्नोस करते हैं. यस यस, डायग्नोस करके हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन सा दोष उसका इम्बैलेंस है. yes, yes. और हम डायग्नोस कैसे करते हैं, मतलब हमारा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस? वो सब कुछ डायग्नोसिस आप जब हिस्ट्री लेते हो पेशेंट का. हाँ. तो आधा वहीं से ही पता चल जाता है. अच्छा. पेशेंट अपने आप बताता है कि उसने क्या कब करा था, कब. अच्छा. उसने कौन सी मेडिसिन ली थी, देन कब उसने क्या खाया था, कब वो कहाँ गया था, कब आया था, बिकॉज बहुत सारे उसमें वो खुद ही बता देता है. जैसे कि एक स्किन डिजीज का एक ये भी रीजन होता है, एकदम से आपने जिम किया और आप एकदम से आके ठंडा पानी पी ले रहे हो, एकदम से बॉडी में आपने जैसे गर्म तवे पे आप जस्ट ठंडा पानी फेंक रहे हो, जस्ट वैसे, तो वो भी एक स्किन. तो बहुत सारे पेशेंट में जब आप हिस्ट्री लेते हो तो खुद से ही वहां से पता चल जाता है कॉज भी और डिजीज भी. और बहुत सारी डिजीज ऐसे होती है जिसमें देख के पता चलता है. अच्छा. उसके जैसे हर डिजीज का कुछ पैचेस डिफरेंट होते हैं, किसका लीजन ऐसे दिखता है. एंड दोषा के बारे में तो मैंने आपको बताया. बिल्कुल बिल्कुल. और सब में स्किन में अलग अलग दोष ही मिलते हैं जनरली आपको, या फिर ऐसा होता है कि फायर, मतलब अग्नि, फायर, पित्त, उसके वजह से ज्यादा होता है या फिर वात की वजह से होता है, कैसे रहता है? एक्चुअली
पित्त ज्यादा इन्वॉल्व रहता है मोस्टली केसेस में, लेकिन सब में नहीं. अच्छा, सब में नहीं. ओके. लेकिन हाँ, आई कैन से 80% केसेस में पित्त ज्यादा रहता है, लेकिन पित्त के साथ अदर दोषास भी होते हैं. कई बार दो दोषास भी प्रोमिनेंट होते हैं, पित्त कफ, कफ पित्त और पित्त वात, एनीथिंग कैन बी दैट. सो अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है कि क्या कौन सा साथ में शमन करना है. जैसे जिम वाले होते हैं, यस, तो जिम वालों में मुझे लगता है क्योंकि वो सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, तो मैंने देखा है सप्लीमेंट्स के बाद उनके हाथ में और जगह जगह पर एक्ने हो जाते हैं, छोटे 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 पोर्स हो जाते हैं. yes, yes, yes. तो वो भी कोई दोष का इम्बैलेंस ही रहता है. यस डेफिनेटली, क्योंकि कई बार सब सप्लीमेंट हमें सूट नहीं करते हैं. कई बार उस सप्लीमेंट में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उनके लिए एलर्जिक हो. Okay. You know, और दूसरा सबसे ज्यादा यही हो जाता है कि एकदम से जिम आके नहा लेंगे ठंडे पानी से. अच्छा. एकदम से एसी से, एकदम से गर्मी में. सो ये सब जो चीजें हैं, दीज आर कॉजेज ऑफ स्किन डिजीज. स्किन डिजीजेस, गॉट इट. बहुत अच्छा. अब आपने दूसरा बताया मुझे हेयर फॉल. तो ये हेयर फॉल तो वर्ल्ड का इतना प्रोमिनेंट टॉपिक है आज के डेट में, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा या तो आई थिंक 20s से 30s में अगर आप देखो तो ग्रे हेयर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. दूसरा हेयर लॉस, अर्ली ऑनसेट ऑफ हेयर लॉस, या फिर आप कह लो कि लेट ऑनसेट में भी उसको हेयर लॉस बहुत, मतलब ऐसा होता है कि अगर फैमिली में भी किसी को नहीं है तो उसका हेयर लॉस प्रोमिनेंटली हो रहा है. तो हेयर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हेयर में क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, या आप कौन कौन से इश्यूज देखते हैं? हेयर में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज तो हार्मोनल होते हैं. अच्छा. जब भी आप उनके टेस्ट करवाओ तो कुछ जैसे कि 50% जो होते हैं वो हार्मोनल एंड अदर 50% डाइट. उनमें आयरन कम होता है, विटामिन बी कम होता है, विटामिन डी कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनमें लैक आती हैं, जैसे मैंने अपने पेशेंट से एक्सपीरियंस से मैंने देखा वो. और दूसरा हार्मोनल इम्बेलेंस. ओके. ठीक है. तो जैसे फीमेल का तो जैसे मैंने बता दिया कि मेरा क्यों गायनी में आया, क्योंकि बहुत सारी फीमेल जब भी हेयर फॉल को लेके आएंगी देन उसमें से जैसे 3 में से 2 को दे हैव PCOS. ओके. सो फिर अकॉर्डिंगली मैंने वो भी मेडिसिन देना स्टार्ट किया. और साथ में जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि कुछ भी एक भी हार्मोन आपका इम्बेलेंस होगा वो सबको करेगा, सिर्फ एक नहीं है कि एक इम्बेलेंस हो गया बाकी के आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कोरिलेटेड. ओके. तो अगर आपका एक ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट में आएगा तभी हम उसको मानेंगे. ठीक है. वो अगर एक इम्बेलेंस है, क्योंकि वो अंदर से सब रिलेशन में है एक दूसरे से, तो वो सबको इम्बेलेंस करते हैं. ठीक है. तो इन फीमेल केसेस वही हो जाता है कि वो जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल पाता है. स्कैल्प हमारी बॉडी में सबसे ऊपर है, वैसे भी उसमें सबसे कम होता है ब्लड सप्लाई. तो अगर वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से और कम होगा तो एकदम से हेयर फॉल स्टार्ट होता है. या फिर जैसे जो फीमेल्स होती हैं जो जैसे आफ्टर बेबी बर्थ, तो एकदम से ड्रास्टिक हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है. तो उसमें भी हेयर फॉल होता है. ओके. बिल्कुल. स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक. यस यस यस. ओके. एंड मेन में, यस मेन में डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज देयर इज अ हार्मोन दैट टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. सो दैट कन्वर्ट इनटू DHT और वो आपके हेयर के बाहर एक कवरिंग बना लेता है. और वो भी सेम चीज है, आप जो भी खा रहे हो वो हेयर रूट तक नहीं पहुंच पा रहा. सो उसकी वजह से डेफिनेटली उसको फूड नहीं मिल रहा है, वो वीक होता है और वो गिरता है. यस. एलोपैथी में एक हेयर को ग्रो करने के लिए एक मेडिसिन आती है, मिनोक्सिडिल. तो ऐसा कुछ हमारे पास आयुर्वेदा में भी सोल्यूशन है? yes, जो कि डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे पास भी ऐसे सोल्यूशन है. हमने सीरम बनाए. मिनोक्सिडिल का ऐसे होता है कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया देन आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा. बिल्कुल. उसमें क्या होता है, स्कैल्प उसका हैबिचुअल हो जाता है कि मिनोक्सिडिल क्या करता है, उसको पर्टिकुलर जहाँ भी आप उसको स्प्रे कर रहे हो हेयर में वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है. बिल्कुल. ठीक है. तो जो खुद से वो थोड़ा बहुत भी करता है स्कैल्प हमारा, जो उसके ऊपर से मिल रहा है वो सब कुछ, तो वो बिल्कुल स्टॉप कर देता है. ठीक है. ठीक है. तो हाँ, बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे पास जो आते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी रखते हैं. एक्चुअली वो उनकी विश है, मैं उनको ये नहीं कहती कि आप स्टॉप कर दो. बट हाँ, आयुर्वेदा में भी हमारे पास हैं ऐसी चीज़ें, जैसे कि आजकल रोजमेरी बहुत फेमस हो रहा है. अच्छा. हर किसी को पता है रोजमेरी. तो वो चीज़ें होती हैं, वो हम सीरम फॉर्म में भी वैसी रोजमेरी जैसी बहुत सारी चीज़ें जो पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती हैं, तो आयुर्वेदा में भी वैसे सीरम है जो हम अप्लाई करने के लिए देते हैं. और उसको अगर आप छोड़ दोगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. अच्छा. और कितने टाइम तक ये रिजल्ट्स मिनोक्सिडिल में? तो एक या दो दिन में आपको थोड़ा थोड़ा, एक दो दिन तो नहीं, थोड़े से टाइम में ही पता चलना शुरू हो जाता है आपको? हाँ, आई थिंक एक दो दिन में तो नहीं. हाँ. ये टाइम लगता है क्योंकि हेयर का एक साइकिल होता है, चाहे आप उसमें एलोपैथिक मेडिसिन लो चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन लो. 45 डेज से पहले यू कांट सी रिजल्ट्स.
बिकॉज 45 डेज का एक साइकिल होता है उसमें, जैसे एक हेयर है अगर वो सपोज यहाँ पे स्किन है, स्किन के नीचे रूट है, रूट से कुछ हेयर निकल गए हैं, ठीक है, ना वो गिरे हुए हैं ना वो उसमें हैं, तो दैट विल टेक टाइम टू शेड. ओके, सो वो गिरेगा, आप मेडिसिन ले भी लोगे तो आप नहीं सोच सकते कि अब वो गिरने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ठीक है. सो जो शेडिंग फेज में गए हुए हैं दे विल शेड. सो हेयर के केस में एटलीस्ट 2 मंथ मिनिमम 45 डेज और 2 मंथ्स यू कैन सी रिजल्ट्स विद आयुर्वेदिक मेडिसिन, सीरम, शैम्पू, ऑल. और ये जो इश्यूज होते हैं जनरली जो हेयर के इश्यूज होते हैं उसमें काफी सारे जेनेटिक भी होते हैं. यस डेफिनेटली, सबसे ज्यादा तो जेनेटिक, जैसे बॉल्डनेस का अगर आप ले लो तो दैट इज जेनेटिक. अगर किसी के पापा को, किसी के ब्रदर को, फैमिली में ही है, फैमिली में किसी को भी है, नानी की साइड या दादी की साइड किसी को भी है, तो फिर वो आप में 80-90% चांसेस होते हैं कि वो आप में हो सकता है. लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर उनके पापा को आफ्टर 40s हुए हैं तो इस वाली जनरेशन को अभी 20s में होने लग गए हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ ये जो हमारा फूड है इसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं और जो भी स्ट्रेस लेवल्स हैं, तो उसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो गई और जल्दी स्टार्ट हो गई. तो इसमें हम डाइट लाइफस्टाइल मॉनिटर करते हैं. यस डेफिनेटली. इसमें हम ऐसे केसेस में जो जेनेटिक केसेस होते हैं उसमें भी हम कुछ कर पाते हैं आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से. यस, हम डिले कर सकते हैं उस प्रोसेस को. ओके, मैं ऐसा नहीं कहती कि हम उसको स्टॉप कर देंगे, और मैं उनको मैं पेशेंट को झूठ भी नहीं बोलती हूँ. जब स्टार्ट करके आई टेल देम कि आई कैन डिले दिस प्रोसेस. अगर आपके इतने जल्दी ये जो पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है, अगर आप कोई मेडिसिन नहीं लोगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा. अगर आप मेडिसिन लेते हो साथ में, अपना ध्यान रखते हो, तो वो लेट हो सकता है. यस दैट कैन बी. एंड जितने आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रूट्स ठीक हैं, जितनी रूट्स हैं, तो आप मैक्सिमम टाइम तक उसको हेल्दी रख सकते हो. जितना हेयर लॉस हो गया है, एक्चुअली जब मेरे पास पेशेंट आता है तो हमने ट्राइकोस्कोप से उसको चेक करना होता है. ठीक है, ठीक है, तो मैं चेक करती हूँ कि रूट्स हैं या नहीं है. अगर रूट्स आर देयर, रूट हैं, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं. बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक, अगर हमारे पास एक प्लांट है, यू नो, एक पॉट है और उसमें प्लांट है, अगर प्लांट होगा तभी हम अगर उसको खाद मिट्टी देंगे, पानी देंगे, तो ग्रो करेगा. अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो आप उसमें कुछ भी डाल दो. जस्ट लाइक दैट, इफ रूट इज देयर तो आप उसको मेडिसिन दोगे, आप उसका ध्यान रखोगे, देन डेफिनेटली आप उसको लंबे टाइम तक चला पाओगे. आयुर्वेदा में आई थिंक सर्जरी तो इज नॉट देयर. नहीं, सर्जरी आयुर्वेदा में नहीं है. बाकी सर्जरीज हैं, जैसे जिसको बॉल्डनेस है कम्प्लीटली, अगर उनकी रूट्स भी नहीं है, देन डेफिनेटली दे कैन गो फॉर सर्जरी. उसमें आपके ये एरिया से हेयर निकाल के आपको लगा देते हैं, और वो एटलीस्ट 20-25 ईयर्स तक वो कहीं नहीं जाते. राइट. सो यस, जिनको कम्प्लीटली बॉल्डनेस है दे शुड डेफिनेटली गो फॉर सर्जरी. तो सर्जरी के बाद वो अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस फॉलो करें रेगुलरली, है ना, मतलब एक बारी वो रूट्स आ गए वापस से, एंड देन दे फॉलो आयुर्वेदा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग रन में. यस यस, वो उनको करना पड़ता है एक्चुअली. अगर आपने सर्जरी करवा ली है, देन दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. आपको उसके लिए सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, बिकॉज उसको नई जगह पे लगाया है, बंजर जमीन पे लगाया है, तो आपको उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. उसके बाद उनको मिनोक्सिडिल भी दिया जाता है, क्योंकि एलोपैथिक में ही होता है सर्जरी, तो उनको वो स्प्रेज भी दिए जाते हैं जो उनको कॉन्टिन्यूसली यूज करने होते हैं, और कुछ मेडिसिन होती हैं जो हेयर के लिए स्पेशली सप्लीमेंट्स होते हैं. ओके, सो या, इसमें जनरली कौन सा दोष आपका इंबैलेंस रहता है, जो इन सारी जो हेयर के इश्यूज रहते हैं जनरली, इचिंग, ड्राइनेस, लम्स हो जाते हैं, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं कई बारी. एक्चुअली वो वही बात है कि सब में डिफरेंट होता different है, डिफरेंट होता है. लेकिन फिर भी अगर मैं 80% केसेस में कहूँ तो या पित्त इज इंबैलेंस. ओके, तो क्योंकि उसी की वजह से वो छोटे छोटे दाने चाहे स्किन में निकल रहे हैं चाहे स्कैल्प में निकल रहे हैं, वो उसकी वजह से है. और अगर जैसे डैंड्रफ है, डैंड्रफ जो है कि उसमें बहुत ज्यादा स्केल्स बनते हैं, डेड स्किन बहुत ज्यादा रिमूव हो रही है, ठीक है, तो उसको हम वाता में लेंगे, बिकॉज वो ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है. तो उसके लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छे शैम्पूज हैं और इंटरनल मेडिसिन भी हैं, बिकॉज दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यीस्ट जिसकी वजह से वो ग्रो करता है, तो उसमें इंटरनली खाने वाली मेडिसिन भी होती हैं. तो आयुर्वेदा में ऐसे नहीं है कि एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ मेडिसिन हैं जो आपके टिश्यूज को हील करती हैं, ना, और उसमें अगर कुछ भी इम्प्योरिटी है तो उसको निकालती हैं. तो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इंटरनली भी काम करेंगी और आपके एक्सटर्नली भी काम करेंगी. दोनों चीजें करके फिर आपका, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे आपके हेयर के. ये सारे इश्यूज इंटर रिलेटेड भी होते हैं. आपने देखे हैं कि अगर किसी को
जो हेयर फॉल के इश्यूज हैं उसको कोई पिंपल्स वगैरह के या कोई स्किन की प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि अगर वात इंबैलेंस है तो वो कहीं ना कहीं और भी इफेक्ट कर रहा होगा। यस यस, कुछ ना कुछ और भी उनको प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को इसीलिए गायनी में आई क्योंकि उसके साथ साथ उनको बहुत सारी रिलेटेड चीजें होती हैं, क्योंकि हेयर एंड स्किन ही एक चीज़ है, आपको देख के ही पता चल जाता है। तो जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो और ज्यादा वो और मेडिसिन ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं या ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं, सो डेफिनेटली उनको और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये मेडिसिन की वजह से वो इम्बेलेंस भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या बोल सकते हैं, मतलब ऐसी मेडिसिन जो है मेडिसिन की वजह से नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि अगर उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आई है, उन्होंने कुछ किया है वैसा डाइट में किया है या मे बी कुछ लोगों में हेरिडिटरी भी है, देन वो उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। सो आई कैंट से दैट बिकॉज ऑफ मेडिसिन, बट यार डेफिनेटली ड्यू टू लाइफ स्टाइल एंड ड्यू टू जो भी हम फूड खा रहे हैं आजकल, जो भी है इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हैं इस फूड में या इतने ज़्यादा पॉल्यूशन है आस पास, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड। आयुर्वेदा में प्रिवेंशन के लिए घर पे ऐसी क्या क्या चीज़ें कोई कर सकता है ताकि उसका हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ जैसे इश्यूज थोड़े से कम हो जाएं या खत्म हो जाएं? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो है हाइजीन, कि बहुत अच्छे से क्लीन करें जब भी क्लीन करें, और वीकली वंस और ट्वाइस मसाज होनी चाहिए एक अच्छी। उसमें ये नहीं है कि आपने ऑयल से ही करनी है, दैट शुड बी मसाज कि उससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो उनका हेयर फॉल रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना स्किन टाइप देखना है, अपना स्कैल्प देखना है, क्या वो हमेशा ऑयली रहता है, फिर आपको ऑयल की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आपका स्कैल्प वो इनफ रिलीज कर रहा है, तो यू हैव टू जस्ट मसाज। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपका स्कैल्प ड्राई है, देन यू कैन यूज ऑयल, फिर भी उसको पूरी रात रखने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट रात को लगा लेंगे दिन सुबह उसको वॉश करेंगे, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत ज्यादा देर के लिए वो मॉइस्चर रहेगा, तो वहां पे जो यीस्ट है उसको ग्रो करने में ईजी रहेगा, तो डैंड्रफ और ज्यादा होगा। सो बस जस्ट 1 to 2 hours enough. उसके जब भी आपने हेयर वॉश करना है वीकली एटलीस्ट 2 twice or thrice देयर शुड बी हेयर वॉश, तो उससे 1 घंटा पहले आधा घंटा पहले मैक्सिमम 2 hours पहले अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आप ऑयल लगा लो, उसके बाद वॉश कर दो, दैट्स इनफ। जो ये आजकल शैम्पूज आ रहे हैं जिसमें इतने सारे यू नो SLS और ये सारे केमिकल्स होते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में या अभी भी हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? डेफिनेटली वो कंडीशन को वर्स कर देते हैं, बिकॉज पहले ही आपको प्रॉब्लमेटिक है एरिया, वहाँ पे इतना हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, ऊपर से आप और केमिकल लगाओगे, डेफिनेटली वो आपके रूट्स, आपके शाफ्ट सबको वो वीक कर रहा है। यस यस डेफिनेटली, सो इनका भी एक बिग पार्ट है ही डेफिनेटली। और जितने भी आजकल प्रोसीजर्स, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग एंड ऑल, कलरिंग एंड ऑल, ये सब उसमें और एड ऑन करते हैं और एड ऑन हो जाती है। अगर लोग एक आयुर्वेदिक शैम्पू के टुवर्ड्स जाए तो अपने हेयर की ग्रोथ या हेयर की क्या बोलते हैं जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं वो? यार डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टार्ट ही वहीं से करना चाहिए। आपके बच्चे हैं, आप हो खुद, आप क्यों केमिकल वाला लगाना है? ट्राई करो जितना कम से कम हो सके केमिकल वाली चीजें ट्राई करो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं उतनी ज्यादा। ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से बात करके पता करना चाहिए कि हमारा कैसा हमारा बॉडी टाइप है और उस बॉडी टाइप के हिसाब से हमें कुछ शैम्पूज या कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है डेफिनेटली। आप कहीं पे जाके अपनी प्रकृति पता कर सकते हो, जैसे कि हर किसी का यू कैन से दोषा प्रकृति भी होती है, जैसे कि किसी की बॉडी ही जन्म से ही वो वातज हैं, पित्तज हैं, कफज हैं, तो आप वो डाइट पता कर सकते हो जो कि आपके दोषा को एग्रीवेट ना करे। आपकी बॉडी पहले से ही वातिक है और आप वातज फूड खाते जाओगे देन डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होगा। तो वातिक मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल वात, जिनका भी बॉडी वातज होता है उनको ठंडी चीजें बहुत ज्यादा सूट नहीं करती हैं। तो अगर वो गर्म चीजें खाएंगे तो वो उनके बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट यार दिन में पूरे दिन में उसको प्लान भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा फिर अपना मील्स। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ वैसे है, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं जो उसको जल्दी एग्रेवेट कर देती हैं। आप कंप्लीटली किसी चीज को ऐसे नहीं कह सकते कंप्लीटली कट डाउन, या डेफिनेटली आप वंस इन अ वाइल यू कैन टेक दैट, जैसे फास्ट फूड ही हो गया, हम नहीं बोल सकते आजकल किसी को भी कि कंप्लीटली कट डाउन, हम उनको बोल सकते हैं वंस इन अ वाइल यू कैन टेक, मंथ में एक बार ले लो और दीज थिंग्स लाइक दैट। सो हाँ आप पता करके आप जब भी, क्योंकि आपके दिमाग में होगा आपको वो दिखेगी तो आप डेफिनेटली उसको अवॉइड करोगे लेना। आपने स्किन के केस में स्पेसिफिकली आपने कुछ क्रॉनिक कंडीशंस भी कभी देखी हैं किसी पेशेंट्स में, जैसे कि स्किन कैंसर?
नो स्किन कैंसर आई हैवंट सीन नो ओके बट और क्या क्या क्रॉनिक जैसे क्रॉनिक मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं जिनको 4-5 ईयर से जो परेशान थे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी स्किन की और वो थक चुके थे लेके और वो उसकी वजह से उनको जैसे कॉन्फिडेंस भी बहुत लो था जैसे मेरे पास एक सोरियासिस के बहुत रिसेंटली में एक पेशेंट आए थे तो वो बाहर रहते थे नॉट इन इंडिया तो बहुत टाइम उन्होंने पहले वहाँ पर भी ट्रीटमेंट करा उसके बाद यहाँ पर आके भी उन्होंने ट्रीटमेंट करा वो फिर जाते थे फिर यहाँ मेडिसिन के फिर जाएंगे देन दे कम बैक तो उसकी उनको वो सोरियासिस फेस पे भी आ गया था स्कैल्प पे भी आ गया तो यू नो कितना कॉन्फिडेंस राइट 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 तो फिर हमारे पास उन्होंने ट्रीटमेंट लिया एंड विद इन 2 मंथ्स उनका वो पूरी तरह से क्योर हो गया और आफ्टर उसके बाद भी लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो गया देन आई स्टॉप मेडिसिन क्योंकि वो इतना क्रॉनिक था उनका मोर देन 5 to 6 ईयर तो उसके बाद भी मेडिसिन चली बट या मैंने उनको ट्रीट किया एंड वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उससे पहले उन्होंने एलोपैथी भी ट्राई करी होगी यस वो उन्होंने बाहर से भी एलोपैथिक ट्राई करा था यहाँ से भी ट्राई करा था लेकिन वो काम नहीं करा वो वही था कि थोड़े टाइम तक काम करा लेकिन उसके बाद नहीं करा बार बार हो जाता था उनको अच्छा एलोपैथी और आयुर्वेदा अगर इंटीग्रेट करके काम करें उससे रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं आयुर्वेदा अपने में एक स्टैंड अलोन थेरेपी की तरह बहुत अच्छा काम करता है एक्चुअली बोथ वे आई कांट कमेंट दैट क्योंकि जो कुछ चीजें एलोपैथिक में अच्छी हैं कुछ आयुर्वेदा हर पैथी का एक अपना बेनिफिट है तो कई बार पेशेंट को दोनों चीजें चाहिए होती हैं फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट के केस में हम मेदांता में ही ले लें तो जो डॉक्टर हैं डॉक्टर त्रिहान दे डू सर्जरी उसके बाद वो योगा एंड ऑल थिंग्स के लिए दे रेफर टू आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर तो दोनों चीजें काम करती हैं तो वो पेशेंट उसके बाद योगा करते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेते हैं साथ में वो एलोपैथिक भी लेते हैं सो वो डिजीज पे डिपेंड करता है सो या दोनों काम करेंगी अगर मुझे तो ब्राइट लगता है बहुत ब्राइट है बिकॉज डे बाई डे बहुत ज्यादा लोगों को जैसे ये पॉडकास्ट हो रहे हैं सब चीजें हैं तो लोगों को ज्यादा नॉलेज हो रही है उस बारे में और लोगों को भी बहुत ज्यादा अवेयर भी हो रहे हैं उनको पता है कि क्या चीजें हमें लेनी है क्या चीज का उनको ये पता है कि साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए हर्ब्स पे ज्यादा जाना चाहिए लेकिन हाँ जहाँ पे एलोपैथिक नीडेड है वहाँ पे एलोपैथिक नीडेड है अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो इमरजेंसी सो सब पैथीज अपनी जगह पे सही है लेकिन हाँ आयुर्वेदा में आयुर्वेदा ने कुछ टाइम में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है और वो करता जाएगा आई थिंक आपने कोविड में केसेस देखे कोई कोविड में एक्चुअली आई वाज नॉट वर्किंग बट हाँ जैसे मैंने अपने आसपास में अपने जैसे रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स उन सबको मैं आई कीप ऑन टेलिंग देम ये वाला हर्ब लो दिस लो अगर जैसे स्मेल जा रहा है तो ये करो काढ़ा बनाओ उसमें दिस दैट तो ये सब चीजें करी हैं तो उससे बेनिफिट होता था यस डेफिनेटली गॉट इट तो इनफैक्ट आयुर्वेदा में तो मुझे लगता है काफी अच्छे रिजल्ट्स जो पता मैंने भी पढ़ा था काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे कोविड में आयुर्वेदा के जरिए जैसे बहुत फेमस गिलोय हो गया गिलोय दिस इज इम्यूनिटी जिससे इंक्रीज होती है काढ़े मिलना स्टार्ट हो गए थे आप कहीं भी आयुर्वेदिक शॉप पे या फिर जैसे छोटे छोटे डिस्पेंसरीज होते हैं तो वहाँ पे जाके आप काढ़ा ले सकते थे और वो बना सकते थे तो इन्होंने बहुत हेल्प किया डेफिनेटली सबसे पहले तो किसी को भी अगर एक छींक आ जाए देन दे स्टार्ट फ्रॉम आयुर्वेदिक काढ़ा सो कोविड में डेफिनेटली इसमें काम किया है बहुत अच्छा आयुर्वेदा में क्या चीज लेनी सही और क्या नहीं है मेनली क्या चीज सही नहीं है जैसे आपने कर्ड बताया था उसके अलावा कोई ऐसी चीजें भी हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए एक्चुअली डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें जैसे विरुद्ध आहार किसी चीज को कहते हैं जैसे नमक और चीनी कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए नमक चीनी जैसे कि आपने कुछ आप कुछ खा रहे हो नमक समोसा खा रहे हो उसके साथ आप चाय खा रहे हो टेस्टी लगता है तो सब लेते हैं बट एक्चुअली दैट इज विरुद्ध आहार इनकी जो एक दूसरे के साथ जो उनके प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अपोजिट है जैसे कि कहते हैं घी शहद कभी भी इक्वल अमाउंट में नहीं लेते हैं फिर एक बहुत जैसे दूध के साथ आप नमक वाली कोई चीज नहीं ले सकते अगर आप दूध ले रहे हो कोई भी आपको नमक वाली चीज लेनी है तो वो थोड़ा टाइम का गैप रखो फर्मेंटेड फूड जितना भी फर्मेंटेड फूड हो गया जैसे कि साउथ में तो बहुत खाते हैं लोग इडली डोसा एंड ऑल दिस इज नॉट गुड फॉर स्किन एक्चुअली ओके एंड बहुत ज्यादा तो कोई भी चीज आप एक्सेस अमाउंट में लोगे तो वो कोई भी अच्छी नहीं है ठीक है जैसे बहुत ज्यादा शुगर हो गया बहुत ज्यादा सॉल्ट बहुत ज्यादा और दही जैसे कि एक कहते हैं मंदक उसको आयुर्वेदिक फॉर्म में कहते हैं जो जैसे दही कम्प्लीटली जमा नहीं है उसको तो बिल्कुल मत लो
ओके तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए. और डेफिनेटली जैसे आयुर्वेदा में वी कॉल इट अध्यसन, एक टाइम पे आपने खाना खा लिया ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लंच का टाइम आ गया और आपको भूख नहीं लग रही है तो आप खा लो. नहीं, जब तक आपको भूख नहीं लग रही है, जब तक आपका पहले खाया हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरा मील मत लो. ओके ओके इसमें नॉन वेजिटेरियन फूड्स इंक्लूडेड रहते हैं या फिर वो नहीं रहते, मतलब जैसे आयुर्वेदिक डाइट्स में या जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है उनको क्योर करने के लिए, जैसे आयरन इज फाउंड इन अ लॉट ऑफ नॉन वेज फूड्स, तो आपका क्या सजेशन रहता है कि वेजिटेरियन में जाना चाहिए या फिर नॉन वेज भी खा सकते हैं? पेशेंट को पूछ लेती हूँ कि आप क्या लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करती हूँ. इफ़ अ पेशेंट इज़ वेजिटेरियन ना, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी है बीट रूट लो, दिस दैट पॉमग्रेनेट अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट. अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो अकॉर्डिंगली जो लेते हैं वो जस्ट ये आई मेक श्योर कि वो फ्रेश लें. ऐसे नहीं है कि कुछ नॉन वेज आपने पिछले कल खरीदा है आज बना रहे हो, देन डेफिनेटली दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक. इन केस ऑफ फिश आल्सो, अगर फिश एक दिन भी पुरानी हो गई आप उसको लेते हो, देन दैट विल क्रिएट स्किन प्रॉब्लम डेफिनेटली. ओके सो या ओके ओके चलिए मूविंग ऑन टू गायनेक इश्यूज. थोड़ा सा बताइए कि आजकल पीसीओडी पीसीओएस अर्ली ऑनसेट जो आप यू नो प्री मेनोपॉज, ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं. यस यस यस. व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज ऑफ ऑल दीस थिंग्स आज की डेट में? पेस्टिसाइड्स. जो भी हमारे जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वो कोई भी आटा है, सब्जी है, फ्रूट है, हम उसको कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते खाने से, लेकिन सब में है. आप जितना भी वॉश कर लो, जो उसके अंदर जा चुका है वो गया है, और जो भी है हमारे अभी आने वाली जनरेशन है वो खा रही है वो, तो डेफिनेटली उसकी वजह से वो सब चीज़ें. अभी पीरियड्स भी लड़कियों को बहुत जल्दी आ जा रहे हैं ठीक है, जो पहले का डिकेड था उसमें इतनी जल्दी नहीं आते थे, स्कूलिंग टाइम पे लेट 8th 9th उसमें आते थे, अभी बहुत छोटी छोटी लड़कियों को. सो फर्स्ट रीज़न इज़ दिस पेस्टिसाइड एंड सोशल मीडिया ऑल्सो फॉर दिस यू नो, जो पहले आ जा रहे हैं पीरियड्स जो उसके लिए बहुत सारी टाइम से पहले वो बहुत सारे ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिससे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं ये सब चीज़ें ठीक है. और जो पीसीओएस है वो डेफिनेटली जैसे ये हार्मोनल जो भी इशू आ रहे हैं, जो खा रहे हैं वो खाना, उसमें फास्ट फूड भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी बच्चों को घर का खाना नहीं खाना है, दे नीड फास्ट फूड. आजकल के बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लैपटॉप पे उनकी स्टडीज हो रही है, उनको होमवर्क भी ऑनलाइन आ रहा है, वहाँ से वो देख रहे हैं, वहाँ से अपने जो भी थीसिस जो भी है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं. तो फिजिकल जितना भी एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया है. तो अगर हम बच्चों में फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करें कुछ पर्टिकुलर एज से, जैसे आफ्टर 10 आप जो भी गर्ल्स हैं उनको योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, सो तो वो जो उनका जो है जो अर्ली हो जा रहा है जो भी उनका मेंसेस वो लेट हो सकता है. एंड डेफिनेटली डाइट ठीक है, ट्राई करो कि आप नॉर्मली तो हम जहाँ से भी लेते हैं दे हैव पेस्टिसाइड, आप ऑर्गेनिक और नेचुरल आप जो भी हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल वो आप खरीद सको. डेफिनेटली दे आर कॉस्टली, बट हाँ वो लॉन्ग टर्म में आपके किड्स पे उस पर उसका रिजल्ट दिखेगा. ओके ठीक है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी आप आजकल नहीं कर सकते रिलाई कि वो भी कैसे भी बना रहे हैं, उसमें भी अगर वो जो काओ है बफलो है उनको कुछ इंजेक्शन दे के दूध ले रहे हैं, देन डेफिनेटली वही आपके बच्चे ले रहे हैं, वही हार्मोन्स उनमें भी जा रहे हैं. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जल्दी हो जा रहे हैं. सो यस, एंड सेकंड इज पीसीओएस. तो जो भी मेरे पास जैसे हेयर के जो भी पेशेंट आते हैं, कई बार छोटे बच्चे भी आते हैं, हेयर फॉल हो रहा है दिस दैट, सो जब भी उनका अल्ट्रासाउंड निकालो तो 2-3 में से 2 फीमेल्स को वो प्रॉब्लम रहती है, और वो आगे जाके इनफर्टिलिटी भी कॉज करती है. जैसे कि आपने बहुत सारे केसेस पर इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत बड़ा इशू है, राइट? हर दूसरे तीसरे कपल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, देन IVF दिस ऑल बिकॉज व्हाट इज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. तो जो ओवरी है जिसका मेन काम है एग बनाना ठीक है, जो कि जब भी फीमेल मैच्योर होती है आफ्टर मैरिज वो एग के साथ ही स्पर्म मिलके बेबीज दे, राइट? सो अब एग ही हेल्दी नहीं बन रहे हैं वो, बहुत क्या हो रहा है कि एक एग प्री मैच्योर रह जा रहा है छोटा, वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है, उसके बाद एक और बन जा रहा है, एक और बन, और वो ओवरी में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ना ही फिर टाइम से उसको जो भी फीमेल है उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और वो ही रीजन बनता है बाद में इनफर्टिलिटी का. ओके ठीक है, तो एलोपैथिक में पीसीओएस का
सर्जरी के अलावा आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कोई ट्रीटमेंट है, बट इन आयुर्वेदा वी हैव ट्रीटमेंट. हमारे पास ऐसी मेडिसिंस हैं जो इंटरनल आपका जितना भी वो एरिया है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव एरिया है, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ऑल दिस इन्वॉल्व, तो उन सबको वो हेल्दी करने की चीज़ें हैं. उसमें जितना भी अगर सिस्ट होगा, बिकॉज अगेन यहाँ पे फिर वही आ गया दोषा, दिस सिस्ट आर मेड अप ऑफ कफा. अच्छा, सो वी गिव मेडिसिंस टू यू नो डिमिनिश दैट कफा, वो कफ कम करने की. तो धीरे धीरे वो जो कफ की जितने भी नोड्यूल्स हैं वो टूटते जाएंगे, और धीरे धीरे वो अगर हम मैं बहुत सारे पेशेंट को मैंने ठीक किया हुआ है, मैंने उनको मेडिसिन दी हैं, आफ्टर 3 मंथ्स जब मैंने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया है देन कम्प्लीटली वो ठीक हो गई हैं. ओके, यस. सेम इन केस ऑफ फाइब्रॉइड, वो यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाएगा तो जो बेबी जब ग्रो करता है वो यूट्रस में ग्रो करता है, तो अगर यूट्रस हेल्दी नहीं है, उसमें इन्फेक्शन है, उसमें फाइब्रॉइड है, तो डेफिनेटली फिर से वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी एंड दैट आल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी. तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाती हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम हो तभी लो. ये जो मेडिसिंस हैं, कुछ बहुत फेमस मेडिसिंस जैसे अशोका रिष्ट, दशमूला रिष्ट, बहुत फेमस चीज़ें हैं, हर कहीं आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिलेंगी, ऑनलाइन सब जगह मिलेंगी, तो ये कोई भी फीमेल ले सकती हैं अपने उन ऑर्गन्स को हमेशा हेल्दी रखने के लिए. तो ये अभी जो PCOD PCOS है ये पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है? यस यस, 100% एंड या दैट डिपेंड्स ऑन साइज ऑल्सो. अगर आपका यूट्रस, अगर ओवरी बहुत ज़्यादा बल्की है, वो जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, देन इस पर्टिकुलर साइज की इससे ऊपर हो गया है अगर, देन सर्जरी के लिए जाना पड़ता है. लेकिन जल्दी डायग्नोस करके अगर वो सिस्ट उतने बड़े नहीं हैं तो आप डेफिनेटली आयुर्वेदा पे यू कैन रिलाय. यस बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे आपने केसेस देखे हैं जिसमें वो बहुत परेशान थे, ठीक नहीं हो रहा था? डेफिनेटली, जैसे कि यंग गर्ल्स होती हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि अभी इतने छोटे लड़के हैं. वी से यंग तो 15 साल से भी छोटे. यस यस यस, उनमें भी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एक मंथ आ रहे हैं देन 2 मंथ नहीं आ रहे हैं, फिर एक बार आ रहे हैं देन 3 मंथ्स नहीं आ रहे हैं न, और उनको उनके किड्स को वो प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली दे कांट गो फॉर एलोपैथिक इन दिस स्मॉल एज. सो मेरे पास आते हैं बहुत सारे पेशेंट और मैंने उनके रेगुलर किए हुए हैं, बहुत सारी जनरल मेडिसिन हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जस्ट वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करती हैं, उसको जितना भी उसमें वेस्टेज है उसको फ्लश आउट करेंगी एंड देट विल बी हेल्दी. तो एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर कोई इंसान बिना एलोपैथी के जाए सीधा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पे, तो वो उसके रिजल्ट्स मुझे लगता है और बेहतर होंगे, कैसे रहता है? एक्चुअली दैट डिपेंड्स कि वो प्रॉब्लम कब आया हुआ है, कब उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आया हुआ है, बीच में आ गया, क्योंकि कई बार किसी चीज़ का कोई सिम्टम भी नहीं होता है. कई बार बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनके पीरियड्स नॉर्मल हैं बट दे हैव PCOS. ओके, सो ऐसे केसेस में वी कांट से कि एलोपैथिक में जाता या आयुर्वेदिक में जाता, सो दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड प्रॉब्लम. ओके, प्री मेनोपॉज ये भी सेम ही इश्यूज में आते हैं? यस डेफिनेटली, जैसे मैंने प्री मेनोपॉज भी सेम इशू में ही आता है, क्योंकि आपकी एक तो उसमें जेनेटिक भी होता है, आप हर चीज़ में ये नहीं बोल सकते हो कि आप प्री मेनोपॉज है देन दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक. अगर किसी के मदर के, किसी की ग्रैंड मदर के एक पर्टिकुलर टाइम पे पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं, अगर उनके अर्ली 40s में हो गए हैं और फिर आपके भी हो जा रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक बिकॉज दैट इज़ जेनेटिक. लेकिन हाँ, उनके एक अच्छे टाइम पे हुए हैं और आपके हो गए हैं, देन दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक. बिकॉज जेनेटिक इसलिए होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही डिसाइड होता है कि वो जेनेटिकली होता है कि कब होंगे. बिकॉज कुछ पर्टिकुलर जो एग होते हैं वो स्टार्टिंग में ही गर्ल में होते हैं, वो दे गेट जस्ट प्रीमैच्योर एंड दे ओव्यूलेट एंड मेंसुरेशन इज देयर. ओके, लेकिन एग क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, अगर वही सेम प्रॉब्लम है वो एग पूरी तरह बन ही नहीं पा रहे हैं एंड देन उसके बाद वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, देन दैट इज प्रॉब्लमेटिक. तो उसमें कुछ हार्मोनल थेरेपीज दे के, कुछ ट्रीटमेंट करके देन उसको टाइम पे करा जा सकता है. जो जेनेटिक जो अर्ली जो पीरियड्स होते हैं या अर्ली PCOD या ऐसी चीज़ें होती हैं, वो जेनेटिकली आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है? डेफिनेटली, क्योंकि
जब उनके जो भी है पेरेंट्स को वो प्रॉब्लम हो रही है तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो होने के. ओके, फ्रॉम अर्ली एज. ओके, तो अर्ली एज से ही उनको ये सारी इरेगुलर पीरियड्स और वो सारी चीजें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी. हो जाती हैं बहुत ज्यादा केसेस में. लेकिन हाँ, अगर वो जैसे कि मैंने कहा फिजिकल एक्सरसाइज करें, अच्छे टाइम से योगा स्टार्ट कर दें, कुछ पर्टिकुलर चीजें डाइट स्टार्ट कर दें, बहुत अपने खाने पीने वाली सब चीजों पर नजर रखें, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, देन उस चीज को डिले करा जा सकता है. ओके, ये सारी चीजें ऑल टुगेदर आई थिंक इंटरलिंक तो नहीं होंगी. जो आपने हेयर फॉल बताया या फिर आपने क्या बोलते हैं स्किन इश्यूज बताए आपने, फिर फीमेल इश्यूज बताए. कुछ पेशेंट में बहुत ज्यादा होती है, कुछ में ऐसा होता है कि जैसे दैट डिपेंड्स कि बहुत छोटा सा एक इशू है, थोड़े से पिंपल हो गए हैं 2-3, वो 2-3 दिनों से कहीं जा रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुआ दिस ऑल, तो उसमें हम नहीं कोरिलेट कर सकते. लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट में होता है अगर उसकी वजह से, जैसे PCOS की वजह से डेफिनेटली हेयर फॉल होता है. जो फीमेल है उसके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, अनवांटेड एरिया पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी स्किन वेलबिटी हो जाती है, एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं, देन इन दैट केस दैट इज़ कोरिलेटेड, बट इन नॉट इन ऑल केसेस, बट या इन मैनी केसेस दैट इज़ कोरिलेटेड. लड़कियों को एक और इशू मैंने कई बार देखा है, दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन. आई थिंक आई शुडंट से लड़कियां, बट जनरली मैंने देखा है लड़कियों में काफी देखा है कि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है. तो वो भी किसी इम्बैलेंस की वजह से होता है. वो होता है, एक इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं. सेकंड इज मतलब आपका वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पा रहे हैं, एंड मेनली इज लीवर. अगर आपका लीवर अच्छे से क्लीन हो, डिटॉक्सिफाई हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड सेकंड इज डाइट. बहुत सारे जैसे पेशेंट में पिगमेंटेशन होती है, तो उनके अगर आप उनके टेस्ट करवा के देखोगे तो बहुत सारी उनमें कमियां पाई जाएंगी, विटामिन डी बी. अच्छा, तो उस दोनों चीजों के साथ ट्रीट होता है. और सेकेंडली कि उसमें फिर हमें लगाने के लिए भी डेफिनेटली, क्योंकि मेलेनिन पिगमेंट वहां पे ज्यादा हो गया है, तो अभी सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज केसेस. बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं यूज करते, पूरा पूरा दिन धूप में रहेंगे. एक्सटर्नल इज दैट इशू, एंड अदर इज एज. जब 20 से पहले हम धूप में भी निकलते हैं, बच्चे पूरा पूरा दिन धूप में निकलते रहते हैं, लेकिन उनको कभी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज उनकी बॉडी में वो हीलिंग पावर है, दे हैव कोलेजन. तो वो थोड़ा सा उनको अगर डैमेज होता है, तो जब वो वापस आते हैं घर में, डेफिनेटली उनकी स्किन हील करती है. बच्चों में आप नहीं देख पाओगे कभी पिगमेंटेशन. और अर्ली 20s, जैसे 20s हो गए, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारा कोलेजन कम होने लग जाता है. तो एक बार आप धूप में गए हो और आपका बर्न हो गया, तो फिर हमारी स्किन वो हील नहीं कर पा रही है, तो वो एड ऑन होता जा रहा है. आप दोबारा जाओगे वो और ज़्यादा डार्क होगा, दोबारा जाओगे. तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज केसेज, या इन पिगमेंटेशन एंड ऑल. एंड सेकेंड इज़ लीवर डिटॉक्सिफिकेशन. लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, तो उससे आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके. यस यस. ओके ओके, तो ये सारी तो स्किन की हो गई. आई थिंक आपने बहुत अच्छे से ना गायनेक स्किन के इश्यूज, आपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज बताए हैं जो काफी लोगों को आते हैं. मुझे लगता है उनको ना रेगुलरली ये चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, थोड़ा सा सोच के कि कैसे लिवर वगैरह पे और ये सारी चीजों पे फोकस करके कैसे आप उसको डिटॉक्सिफाई कर सकें. जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनके लिए आपका क्या कहना है कि हाउ दे कैन इनकॉर्पोरेट आयुर्वेदा फॉर अ हेल्दी बेबी, फॉर अ हेल्दी लाइफ. फॉर अ हेल्दी लाइफ, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा कि जैसे अर्ली टाइम से एक तो योगा वगैरह स्टार्ट करें. बहुत को एक मिथ होता है कि चाइल्ड मतलब किड होगा उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसे नहीं है. बहुत सारे कुछ सेफ पोजीज हैं, वो करें. और उसके साथ बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देन दे शुड गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन. लाइक अगर आप अभी बहुत क्या हो जाता है कि पैरासीटामोल इज सेफ, थोड़ा सा फीवर आ रहा है, दे टेक पैरासीटामोल. बट नहीं, बेबी के लिए वो भी सेफ नहीं है, बिकॉज जो भी आप लेते हो वो किड के पास भी जाता है. देन ट्राई करो कि आप आयुर्वेदिक हर्ब्स, जैसे बहुत जो फेमस है सब लोगों को पता है, गिलोय. अगर आपको लग रहा है फीवर है, तो थोड़ा सा गिलोय लो और उसका आप जो भी है उसको पीस करके उसका जो भी है रस निकालो, 10-20 ml, हैव दैट. उससे बेबी को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, उल्टा उसका इम्यूनिटी इंक्रीज होगा और आपका भी फीवर कम होगा. सो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल. सो ट्राई करो इस फेज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आयुर्वेदा से ट्रीट करने की. और जैसे कि इस प्रॉब्लम में हाइपरटेंशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो जाती है, तो उस केस में आप ट्राई करो कि आप ऐसी डाइट लो जिससे आपका शुगर एकदम से स्पाइक ना जाए, एकदम से हाई ना जाए,
ऐसा फूड लो जो जो शुगर में कम हो, हेल्दी फूड लो, तो ये सब चीजों का ध्यान रख सकती हैं मदर्स जब भी चाइल्ड बेयरिंग एज। एंड फॉर मदर्स हु हैव जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, उनके लिए आपका क्या कहना है? आयुर्वेदा में एक प्रैक्टिशनर के पास जाके उनके लिए भी यू नो अपनी लाइफ आगे के लिए बेहतर कर सकती हैं वो उस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में रहती हैं। यस यस, उस केस में हाँ अगर वैसा है तो जो भी पेशेंट आते हैं उनकी आई टेक हिस्ट्री क्या है, कैसे किस चीज़ का उनको, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत सारे जिसको मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं, तो उसकी वजह से। और सेकंड बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हेयर फॉल होता है, बिकॉज क्या होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसमें, बहुत जल्दी हेयर आपकी ना हेयर लेंथ एकदम से इंक्रीज हो जाती है दैट ऑन बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। और जैसे ही फिर वो बेबी डिलीवर करती है तो उसके बाद एकदम से हेयर फॉल स्टार्ट होता है। और दूसरा बहुत होता है कि उसको फीड भी करवाना होता है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस उसके अंदर आते हैं, तो उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं देन डेफिनेटली आई ask them what is the problem and accordingly I treat. Great. ये सब actually मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ because Ayurveda I think focuses on prevention also. Yes. तो prevention के लिए मुझे लगता है expecting mothers जो है ना उनको कहीं ना कहीं they need a constant support. Yes. तो अगर वो चीज़ you know एक आयुर्वेदिक practitioner जो कि ये सारी चीज़ें जानती है उनसे मिले। Definitely, जैसे कि बहुत सारी females में ये भी issue होता है कि जैसे milk production अच्छे से नहीं हो रहा है, they can't feed their mothers, तो उसके लिए भी आयुर्वेदा में medicines हैं जो उनका वो भी healthy करेंगी जल्दी से उनका, जैसे अगर बहुत सारा tummy आ गया है तो उसके लिए भी medicines हैं, then definitely they can come to me and amazing. जो नए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स अभी बनने वाले हैं आपके लिए, उनके आपकी क्या सलाह है उनके लिए? मेरी उनको यही सलाह है कि बिलीव इन आयुर्वेदा। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, दे डू यू नो डिग्री इन आयुर्वेदा एंड दे वर्क इन एलोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन वट एवर दे आर वर्किंग एज RM वो, तो आई थिंक दैट इंटरेस्ट दैट इज़ ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो। अगर आपका एलोपैथिक में इंटरेस्ट है तो आई थिंक यू शुड डू MBBS। इफ़ यू आर ए BMS डॉक्टर, इफ़ यू आर ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, देन बिलीव इन आयुर्वेदा एंड ट्रीट योर पेशेंट विद आयुर्वेदा। अभी तक लेकिन हमने जितनी भी डिजीजेस करी आई थिंक मेजरली डिजीजेज आर लाइफ स्टाइल डिजीजेज। या मेजरली डिजीज है डेफिनेटली, ये जितनी भी आपने इवन स्किन की बताए, आपने गायनेक इश्यूज बताए, ये सारे अगर हम लाइफस्टाइल बदल के लाइफस्टाइल बदल ले, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप बहुत सारी अदर थिंग्स को भी लें, जैसे डायबिटीज बहुत बड़ा इशू है, अगर उस पर भी आप जाएं, अगर उसका सोचें तो दैट इज ऑल्सो लाइफ स्टाइल। राइट, अगर आप लाइफ स्टाइल ठीक करेंगे, अपना डाइट ठीक करेंगे, तो किसी को मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होती है एक्चुअली। सो बहुत सारी चीजें हैं, वही आ गया लाइफ स्टाइल, स्टमक, अगर वो सही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और इमोशनल इश्यूज जो होते हैं इन सब में प्ले करते हैं रोल? यस डेफिनेटली, इमोशनल इश्यू क्या है कि आजकल ये ज्यादा हो गए हैं, जैसे कि जस्ट लाइक बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कि कोविड को हम बोलते थे कि बहुत ज्यादा ये कोविड बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर गया, ये हो गया, दिस दैट हो गया, बट उसके साथ साथ स्ट्रेस भी एक ऐसी चीज है। आई डोंट नो कि एक दिन में कितने लोग सुसाइड करते हैं। सो एक वो स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे आपका माइंड आपके अपोजिट काम कर रहा है, यू नो उसके वो आपको ये सोचने पे बता देता है कि लाइफ इज नॉट बेटर ना, यू शुड गो फॉर डेथ। सो आपको उस पर काम करना चाहिए। हर किसी को स्ट्रेस है, आई वॉन्ट से कि किसी को स्ट्रेस नहीं, आप किसी को नहीं ढूंढ सकते कि हाँ ही इज़ फुली हैप्पी, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, बट वी शुड ट्राई टू मैनेज इट। हमें अब और वो कैसे होगा, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए कुछ करो, आप चाहे कुछ टाइम के लिए 30 मिनट्स के लिए आप एक्सरसाइज करो, और जस्ट 30 मिनट्स के लिए आप कहीं अच्छी जगह पे बैठ के जस्ट मेडिटेशन करो, है ना, और या फिर कुछ आप ऐसे करो जो आपको अच्छा लगता है, दैट कैन बी डांसिंग, दैट कैन बी म्यूजिक और एनीथिंग, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, तो आप ये सब करके मैनेज कर सकते हो उसको डेफिनेटली। तो ये सारे इश्यूज मुझे लगता है काफ़ी सारे इश्यूज तो आपके स्ट्रेस और ऐसे यू नो मेंटल इश्यूज की वजह से आपके फिजिकल बॉडी में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। डेफिनेटली दे आर कोरिलेटेड, अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो आपको बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम होने वाली है, फिजिकली ठीक नहीं हो वो भी मेंटल पे करता है, क्योंकि आपको सोचते हो कि हाँ मुझे ये डिजीज है एंड यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट, सो दोनों चीजें हैं, आपका बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी होने चाहिए। साइकोलॉजिकल इश्यूज में भी कोई इम्बैलेंस रहता है? एक्चुअली दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, साइकोलॉजिकल जैसे बॉडी में आ जाते हैं वात पित्त कफ,
और जो जो ये साइकिक के आते हैं जितने भी जो मन से रिलेटेड हम आयुर्वेद में बोलते हैं, दिस इज सत्व रज एंड तम. ओके, दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स. सो सात्विक यू कैन से कि जितने भी ये साधु वगैरह होते हैं, वी कैन से देम सात्विक, है ना. एंड ऑल्सो दे हैव द सात्विक डाइट, टोटली बॉइल्ड, नथिंग इन दैट, ना. सो दैट्स ऑल्सो डिफरेंट. राजसिक आर डिफरेंट टाइप ऑफ तामसिक, जो बहुत ज्यादा जिनको लेजी रहना पसंद है और वो सब. तो बॉडी के एरिया में वातपित का एंड इन मानसिक दोषा दैट इज सत्व रज एंड तम. ओके, तो ये दोष इन्वॉल्व नहीं होते जब हम मेंटल इश्यूज को आयुर्वेद में फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं. गॉट इट. अमेजिंग डॉक्टर ऋषभ, बहुत अच्छा लगा. ये सारी जो चीजें हैं ना, मुझे लगता है पेशेंट्स को बहुत इंसाइटफुल लगेगा. थैंक यू सो मच. क्योंकि आपकी जो नॉलेज है ना, मुझे लगता है लोगों तक एक तो पहुंच भी रही है, दूसरा लोगों को ना थोड़े से इंसाइट्स मिलते हैं कि आयुर्वेदा को क्यों उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए बहुत सारे अलग अलग टाइम पे. थैंक यू डॉक्टर ऋषभ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था. आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत इंसाइटफुल लगेगा, बिकॉज आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें जो लोगों को अपनी डेली लाइफ में आती हैं, वो उन इश्यूज पे फोकस करके आपने उन्हें उसका एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है. थैंक यू सो मच. तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ना, स्पेसिफिकली गायनेक, स्किन और हेयर इश्यूज जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन सब के लिए मुझे लगता है कि वो आपके पास आएंगे ज़रूर. डेफिनेटली आना चाहिए, बिकॉज इसमें रियली में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है. एंड सबसे बड़ी बात है कि उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है. आप आप जो भी ले रहे हो हर्ब्स हैं, जस्ट लाइक यू हैव पालक, उसके तरह ही आप मेडिसिन ले लो, आपको साथ में इफेक्ट भी मिल रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. एंड ओवरऑल ये पता है आने वाली लाइफ में आपको एजुकेट भी करती है, अगर किसी की फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनको भी एजुकेट करती है. तो ओवरऑल ये ना एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच, घर में पूरा माहौल बन जाता है वैसा. यस डेफिनेटली. तो ये दिस इज एक्सट्रीमली गुड. आई मीन इट वॉज वेरी इंसाइटफुल. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच. आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से आपको होप तो मिली होगी कि ये कितनी ज़बरदस्त साइंस है. हमारे चैनल पे अब हर हफ्ते पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो ऐसे ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अब मैं जानता हूँ कि पॉडकास्ट आप सारे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसलिए मेरा उन 70% से निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं जल्दी अगले हफ्ते, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो.